दिल्ली के कृष्णानगर में कुछ दोस्तों ने मिलकर मामूली सी कह सुनी में ही चाकू मारकर दोस्त की हत्या कर दी। बताया गया है कि जितेंद्र चार दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर चारों दोस्तों में से उसके एक साथी के साथ इसी बात पर कहासुनी हो गई, जिसके बाद चारों उसे धमकी देकर चले गए। उसके कुछ देर बाद चारों वापस आए और जितेंद्र की चाकू मारकर हत्या कर दी। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाइक पर दोस्त आते हैं और एक दोस्त पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर देते हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली कि एक शख्स खून से लापता पड़ा है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को स्वामी दयानंद अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान जितेंद्र के रूप में हुई है। पुलिस ने जाँच की तो पता चला कि जितेंद्र अपने कुछ दोस्तों के साथ था, जिसके बाद पुलिस चारों दोस्तों को हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू की, जिसके बाद हत्या का खुलासा हुआ। पुलिस ने इस मामले को चंद घंटों में ही सुलझा दिया और चारों दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि पुलिस की गिरफ्त में ये वही चारों दोस्त हैं जिन्होंने मामूली सी बात पर अपने दोस्त की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। सर, मेरे हस्बैंड रात को आ रहे थे, उनको चाकू मार दिया था किसी ने। वो मंडी में काम कर रहे थे, जब रात को दुकान बढ़ा के आए थे घर पे, तो किसी ने चाकू मार दिया था। वो घर पे आते थे, हाँ, घर आने से एक दिन पहले किसी के साथ रात को लड़ाई हुई थी। उन्होंने कहा था कि मैं तेरे को ब्लेड मार दूंगा, चाकू मार दूंगा, ये वो। तो उनको लगा कि वैसे ही उसमें कहा होगा, सीरियस नहीं कह रहा होगा, पर वो अगले दिन सीरियस में उसने ऐसा कर दिया। वो लोग मंडी में रहते हैं सर। दो दिन पहले झगड़ा हुआ था, तो वो लड़के धमकी दे के गए थे। अब अगले दिन जब फ्रूट की रेडी बढ़ा के घर जा रहा था, तो पीछे से लड़कों ने चाकू वाकू मार दी। अभी तक तो हमने कुछ नहीं, बस ये पता लगा कि वहीं मंडी में रहते थे। फिलहाल पुलिस ने चारों दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। तेज निगाह, ब्यूरो दिल्ली।